सो गाइस, आप सभी का स्वागत है रॉयल एस्पे गेमिंग के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड। तो अगली बार मैंने ये बेस बनाया था और मैंने इस बेस के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, तो वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ढूंढने जाने वाले हैं एक विलेज को और वहाँ से ट्राई करेंगे एक दो विलेजर को भी उठा के यहाँ ला पाए। तो पर अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चले चलते आज के वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ओके, तो अभी रात होने वाली है, तो मैंने अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं किया। इस शुगर केन को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और ये है फाइनली हमारा बेस। तो मैंने इसे थोड़ा सा अपग्रेड भी किया था और अभी भी ये जस्ट यहीं पर है, यानी मैंने चीज़ें को सॉर्ट किया ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आएगा नीचे। ओके, तो अभी फाइनली मैं अपना बेस टूर देता हूँ। तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं और सोच रहा हूँ यहाँ मैं अपना एंचेंटमेंट टेबल लगा सकता हूँ और यहाँ ये छोटी सी बालकनी और फिर यहाँ से नीचे। तो ये मैंने स्टोरेज रूम बनाया है और यहाँ से हम देख सकते हैं दूर दूर तक अगर देखना चाहे तो। ओके, तो आज हम मैं जाने वाला हूँ विलेजर को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ अपने को विलेजर मिलना थोड़े से मुश्किल है। तो इसलिए चलो हम चलते हैं अभी सफ़र पे, और मेरे पास सब सारी चीज़ें है ही ऑलरेडी। तो इस बार मैं इस तरफ दोनों कोऑर्डिनेट प्लस हो ऐसी जगह ही जाना पसंद करूँगा मैं। तो इस तरफ चलते हैं और यही हमारा वो भी है जियोट्स, ये रहा, बहुत पास ही है तो इसे भी हम कभी एक्सप्लोर करेंगे पर अभी नहीं। ओके, एक और शिप, और भाई साहब ये तो बड़ी वाली शिप लगी है। अगर कुछ मिला तो मैं जाऊंगा वरना। ओके, जस्ट दिख गया पहले ही, चलो ठीक है। ओ भाई, पोटैटो मिल गए, सही है। और इसके सामने एक और चेस्ट भी होती है पर देखते हैं अगर लूट पाए तो ठीक है। काफ़ी अच्छा सामान मिल गया, अभी निकल लो, अभी और लालच नहीं करनी चाहिए हमें। ओके, तो मैं विलेज ढूंढता हूँ और फिर आपसे वापस मिलता हूँ। ओके, तो अभी मुझे एक अच्छा सा आइलैंड मिला है, मुझे वैसे ऐसा लग रहा है पर पता नहीं। ओ भाई, ये तो ट्राइडेंट वाला ही, निकल लो। ये तो दो शॉट में ही किल कर देगा। ओके, आई थिंक ये आइलैंड ही है। तो अभी मेरे पास बेड तो है नहीं, मैं इतना तो प्रो हुई कि मैं बेड ले बिना लेके आ सकता हूँ, वैसे मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो मैं सुबह होने का वेट करता हूँ और फिर आपसे वापस मिलता हूँ। ओके यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया सुबह होते होते, तो
तो अभी सुबह हो चुकी है और वैसे मुझे वहाँ डेजर्ट दिख रहा है, तो मैं डेजर्ट से एक कैक्टस ले सकता हूँ। तो सोच रहा हूँ वही भी चले ही जाते हैं ना लगे हाथों। तो और थोड़ी सी मैं फूड भी कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ, ओ भाई साहब, यहाँ है एक विलेज जो कि अबेंडेड है, यानी डेड विलेज। सही चीज़ है, सही तो क्या, यहाँ कोई भी विलेजर नहीं मिलने वाला। हाँ वैसे यहाँ हम हे बेल कलेक्ट कर सकते हैं और कैरेट्स भी, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। उठा लो यहीं से, फटाफट इस विलेज को लूटता हूँ और फिर आपसे वापस मिलता हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है और फिर मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने विलेज को लूटा और इनमें से मुझे इतनी चीज़ें मिली है। ये है बेल और ब्लास्ट फर्नर्स, 44 ब्रेड्स और ये, और 28 बुक्स। वैसे वहाँ बुक शेल्फ रखी थी, उसे मैंने ब्रेक किया और वहीं से ही बुक मिली है। तो अभी थोड़े से और एक्सप्लोरिंग करते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है, क्योंकि अभी तो मुझे एक ऐसा विलेज चाहिए जो जिंदा हो। और डेजर्ट के अंदर हमें डेजर्ट टेम्पल भी मिल सकता है। तो वैसे वीडियो तो लंबा हो ही चुका है, पर फिर भी हम एक और चीज़ ढूंढने के बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो मैं ढूंढता हूँ और उससे पहले मुझे सोना होगा जल्दी यार, रात हो जा। यहाँ तो वैसे भी हस्क आते हैं, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऊपर ही सोना चाहिए, क्योंकि मैं हस्क का शिकार तो नहीं बनना चाहता। जल्दी यार सो जाओ। ओके ठीक है, अभी तो अभी मैं डेजर्ट टेम्पल ढूंढता हूँ, और यानी कि कोई भी चीज़ मैं ढूंढता हूँ और कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं जल्दी आपको मिलूँगा। ओके, तो मुझे फिर से एक विलेज मिल गया जो कि फिर से एक डेजर्ट विलेज है, और ये भी पूरा का पूरा सही वाला विलेज है। तो अभी मैं इस वीडियो को भी ख़त्म कर सकता हूँ और अभी मैं थोड़े देर के लिए इस विलेज के अंदर रुक जाऊँगा और फिर हम जाएंगे अपने बेस पे और यहाँ से दो तीन विलेजर को भी उठा के ले जाएंगे। अच्छा हुआ कम से कम मुझे एक विलेज तो मिला। वैसे मुझे आसपास भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए अगर कुछ और मिल जाए। ओके ये क्या है? अच्छा ये पानी वाले स्ट्रक्चर बाहर है। वैसे मैंने ये देखा है बहुत पहले, पर फिर भी अभी है भी तो देख ही लेते हैं ना। अरे ये तो रहा जस्ट अनब्रेकिंग 3 है, चलो इसे भी उठा ही लेते हैं। एक और ट्रेजर मैप, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो चलो हमें अच्छी सी लोकेशन मिल गई है, वैसे हमारा बेस तो वही रहने वाला है और इस ट्रेजर को भी हम कभी ना कभी लूटेंगे। ओके तो मैं विलेज में भी आ गया, इतना ही रखते हैं और अगले एपिसोड में हम इस विलेज को लूट के फिर मैं एक विलेजर को अपने बेस पे लेके जाने की ट्राई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।